और चलिए अब बात रोहिणी नक्षत्र की। तो रोहिणी नक्षत्र में जन्मे लोगों का भविष्य कैसा रहेगा, कब इनका भाग्य उदय होगा, कब इनको क्रूर ग्रहों के चंगुल से बचना है और कौन से उपाय करने हैं, ये भी पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी बताइए, रोहिणी नक्षत्र। रोहिणी नक्षत्र में जन्मे लोग चंद्रमा की महादशा में पैदा होते हैं। भगवान कृष्ण का जन्म भी रोहिणी नक्षत्र में हुआ था और रोहिणी नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोगों का भाग्योदय 30 वर्ष के आयु के बाद होता है। सही तो है, पैदा होते ही भगवान को जमुना पार करना पड़ा, अपनी माता को छोड़ करके दूसरी माता के पास पलना पड़ा, काफ़ी आयु तक अपने माता पिता से अलग रहना पड़ा। तो कहने का आशय ये है कि भले ही रोहिणी नक्षत्र भगवान का नक्षत्र है, लेकिन इसकी शुरुआती दशा जो चंद्र की दशा है, ये माता पिता से तो दूर करती है। तो क्रूर ग्रहों की महादशा में, क्रूर ग्रह कौन है पहले ये समझ लीजिए। क्रूर ग्रह जो है ये सूर्य और मंगल हैं, और पापक ग्रह कौन है, राहु केतु और शनि हैं, और शुभ ग्रह कौन है, चंद्र बुध बृहस्पति और शुक्र। ये हमारे सभी दर्शकों को मालूम होना चाहिए, ताकि मैं क्रूर ग्रह कहूँ तो आप समझ जाइए, पापक ग्रह कहूँ तो आप समझ जाइए, शुभ ग्रह कहूँ तो आप समझ जाइए। तो क्रूर ग्रह कौन है, सूर्य और मंगल। पापक ग्रह कौन है, राहु केतु शनि। और शुभ ग्रह कौन है, चंद्रमा बुध बृहस्पति और शुक्र। नौ ग्रहों का बता दिया। तो राहु केतु शनि की अंतरदशा में इनको शत्रुओं से और चोरी का भय रहता है। रोहिणी नक्षत्र में अगर कोई भी बीमारी होती है तो वो 3 दिन, 7 दिन, 9 दिन और 10 दिन तक ही रहती है। रोहिणी नक्षत्र में बीमार होने वाले लोगों को ज़्यादा कष्ट नहीं होता है। ज़रूरतमंदों को घी, तिल और अनाज खिलाने से भाग्य का साथ मिल जाता है। और रोहिणी नक्षत्र में पैदा हुए लोग अगर परोपकार में थोड़ा सा भी अपना इंटरेस्ट दिखाएं तो इनका जीवन बहुत अच्छा हो जाता है। ऐसे लोग अपने लिए कम और समाज के लिए, देश के लिए ज़्यादा जीवन जीते हैं। ये अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए कम प्रयास करते हैं, लेकिन दूसरों की भलाई के लिए ज़्यादा प्रयास करते हैं, इसलिए तो ये बहुत अच्छा नक्षत्र माना जाता है। जय माँ विंध्यवासिनी।